आज के इस एपिसोड में हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग देखेंगे कि इसे हम कैसे तैयार करेंगे। इसकी कटिंग मैं पहले ही वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस स्टिचिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं फुल अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग। तो इसकी कटिंग में आपको ध्यान होगा, जब हमने इसकी कटिंग की थी तो नीचे बॉटम में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो हमने ये इसका अलग से ये पट्टी कट की थी। तो सबसे पहले हमें ये पट्टी अटैच करनी है। और आप देखिए मैंने जैसे रखा हुआ है, जिधर से ये पट्टी स्ट्रेट कटी हुई है उधर से हमें इस स्कर्ट पर ये अटैच करनी है। जो राउंड कटिंग है वो नीचे आना चाहिए और इसी तरीके से हम ये जो दूसरी पट्टी है इसे भी अटैच करेंगे। ये हम स्कर्ट के दूसरे साइड में अटैच करेंगे। तो आइए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए पट्टी को मैंने सीधे पे सीधा रख के और इस तरह से पिन से अटैच कर लिया है। और जो चौड़ा हिस्सा है वो ध्यान रखिए, जो आपकी स्कर्ट का एज है वो इधर आना चाहिए। और जो इसकी ट्रिमिंग हुई है, जो इसका ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, ये स्कर्ट के अंदर आना चाहिए। और इस तरीके से आप ही अगर चाहें तो पिन से अटैच कर लें और उसके बाद सिलाई चलाएं। और जो पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम स्कर्ट रख के कटिंग कर देंगे। तो इसको इस तरीके से रखें और यहाँ से मैं इसकी सिलाई चलाऊँगी। देखिए यहाँ से ये राउंड आना शुरू हुआ और एक्स्ट्रा पट्टी अपने आप बाहर हो गई। तो जहाँ से अटैच हो रहा है वहाँ से ही लगाना शुरू करिए। और इस तरीके से निकालते जाएं। ये पट्टी अटैच हो गई है और इसको मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए जो स्कर्ट का, ये देखिए ये अपने आप राउंड शेप आ गया है। मैं आपको इसे ज़मीन पे रख के भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने ये जोड़ लगा दिया है इधर के साइड पे और पूरे स्कर्ट को आपको फैला के दिखाया है। अब हमें जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो उठा के इस कॉर्नर पे रखना है। जो हमारा ये कमर है, ये कमर का हिस्सा यहाँ रखेंगे और जो हमारा कॉर्नर का हिस्सा है उसे उठा के हम इस कॉर्नर पे रखेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर कटिंग कर देंगे। तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ये देखिए मैंने कमर वाला हिस्सा उठा के इधर रखा है और जो हमारा घेर था उसे उठा के इस कॉर्नर पे रखा है। और आप देख रहे होंगे मैंने बहुत हल्की सी मार्किंग की हुई है क्योंकि इसमें बहुत ही हल्का सा मार्जिन था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही हल्का मामूली सा है। तो इस तरह से मार्किंग कर लें और इसे हम ट्रिम कर देंगे। अब हमें स्कर्ट में जो एक तरफ जॉइंट आना था, इस स्कर्ट में केवल एक जॉइंट आएगा, तो अब हम उस जॉइंट को सिलेंगे। मैंने कमर की तरफ से सिलना शुरू किया है और नीचे बॉटम तक इसे सिल के बंद कर देंगे। इस तरह से किनारी से किनारी मिलाएं। आप चाहें तो इस तरह से पिन भी लगा लें, इससे इक्वल आती है सिलाई। और पिन हटाते जाएं। साइड सिलाई हो गई है। अब हम जो स्कर्ट का बॉटम पार्ट है उसकी फोल्डिंग करेंगे। तो उसके लिए आप इस तरह से डबल फोल्ड करें बहुत बारीक सा और इस तरह से मोड़ते हुए इस पर हम सिलाई कर लेंगे।
बिल्कुल पतला सा मोड़ना है। ये वेलवेट है तो वैसे ही अपने आप ही टर्न हो रहा है। और इस तरह से हम पूरा राउंड में स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें पहले ये साइड की सिलाई करी और उसके बाद इसके पूरी जो घेर है उसमें बॉटम में मैंने नीचे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दी है। तो हमारा नीचे का पार्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। हमने ये जो इसकी बेल्ट काटी थी इसे इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और आधा फोल्ड करने के बाद जो इसके ये दोनों किनारे हैं किनारों से किनारा मिलाकर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से इसे सिल देंगे। बेल्ट सिलने के बाद हमें इसका इस तरह से मोड़कर ये मिड पार्ट निकालना है। तो इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस कॉर्नर को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पर हम एक माप ले लेंगे और इसी तरीके से हम इसे फिर फोर फोल्ड्स करेंगे और फोर फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ माप ले लेंगे और पीछे वाले हिस्से पे भी दोनों तरफ हमें माप लेना है। तो इस तरह के आप चाहें तो इसे ओपन करके और इस तरीके से भी हमारे पास अभी चार मार्क हो चुके हैं। एक है सिलाई का, एक हमने मिड पॉइंट ले लिया और एक है साइड में। तो इस तरह से ये चार मार्क हो चुके हैं। ये मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है और जब हम इसे स्कर्ट में अटैच करेंगे तो उसमें भी हम मार्क लेंगे और इससे मार्क को अटैच करेंगे। देखिए स्कर्ट में भी हमने इस तरह से ये चार मार्क ले लिए हैं जैसे बेल्ट में फोल्ड करके लिए थे हाफ और फिर वन फोर्थ। और उसके बाद ये देखिए अब स्कर्ट को ऐसे हमें उल्टा रखना है खोलकर और जो हमारी ये बेल्ट है उस बेल्ट को हमें इस स्कर्ट के अंदर डाल देना है इस तरीके से। और जो ये सिलाई से सिलाई है जो हमारी बेल्ट की सिलाई है और जो हमारी ये स्कर्ट की सिलाई है ये बिल्कुल एक दूसरे को मैच करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि ये स्कर्ट का उल्टा हिस्सा और बेल्ट का उल्टा हिस्सा दोनों आपको फेस करें और इस तरीके से ये दोनों सिलाई देखिए इस तरह से फ्लैट करके खोल लें ताकि इलास्टिक डालने में हमें परेशानी ना हो। और इस तरीके से ये देखिए ये मैंने सिलाई से सिलाई मिला दी और मैं एक पिन से इसको इस तरह से अटैच कर रही हूँ और ये देखिए इस तरीके से ताकि जब हम ये बेल्ट पलटेंगे और हम आगे लाएंगे तो ये सीधा हिस्सा जो सिलाई हम करेंगे वो आगे से करेंगे। तो अभी फ़िलहाल स्कर्ट भी उल्टी रखनी है और बेल्ट भी आपको उल्टी फेस करनी है और इस तरह से सिलाई से सिलाई मिलाएं। उसके बाद जो हमारा ये बेल्ट का निशान था और जो हमने स्कर्ट का निशान लिया है मिडिल इस तरह से मिला के और इस तरह से पिन से अटैच कर लें और इसी तरह से जो तीसरा निशान है निशान से निशान मिलाएं और फिर जो ये चौथा निशान है ये निशान से निशान मिलाकर और इस तरह से पिन लगा लें ताकि ये इजीली आप इसे सिल सकें। तो ये देखिए ये बेल्ट इस तरह से आपके स्कर्ट के अंदर है। अब हमें इस पर सिलाई देनी है। तो इस तरीके से स्कर्ट के किनारे पर बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे और इस पर हम सिलाई चलाएंगे। ध्यान रखें जो हमने ये बेल्ट का मार्क लिया है और ये जो स्कर्ट का मार्क लिया है ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच करना चाहिए। उसके लिए आपको बेल्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए इस तरीके से और जो स्कर्ट है उसे आप थोड़ा सा लूज छोड़ें क्योंकि स्कर्ट और रेप कटी हुई है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेच ना करें और जो बेल्ट है उसको हल्का सा बहुत हल्का सा मामूली सा स्ट्रेच करेंगे और वो बिल्कुल नाप में आ जाएगी क्योंकि हमने बिल्कुल कटिंग जो करी है वो बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग की है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो हमारा निशान है ये देखिए निशान से निशान मिलाएंगे हम इस तरीके से और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से
नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे। पैंट को स्ट्रेच करें, नीचे वाले हिस्से को एडजस्ट करें और इस तरीके से पिन लगाने से यही बेनिफिट होता है कि आपका जो मार्क आपने किया है, निशान जो लगाए हैं, वो इधर उधर नहीं होते और बेल्ट आपकी बिल्कुल इजीली और बिल्कुल नाप के मुताबिक जुड़ जाती है। अब हम ये पिन निकालेंगे और इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे। पेन ध्यान रखें, पिन ज़रूर निकालते रहें, अदरवाइज आपकी जो सुई मशीन की जो नेडल है वो टूट सकती है। और अब ये लास्ट वाली पिन निकाल देंगे और इसे पूरा फिर देंगे। ये देखिए जुड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। ये हमारा स्कर्ट का उल्टा हिस्सा है और ये बेल्ट है, तो बेल्ट हमने इसके ऊपर अब पलट के रख दी है। ये हमने सिलाई चलाई थी इस तरीके से, ये देखिए ये इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई चलाई थी और अब हमने इसे इस तरह से पलट के खोल दिया है। अब हम स्कर्ट को सीधा करेंगे। देखिए अब हमने इसे स्कर्ट को सीधा कर लिया है और ये बेल्ट हमारी उल्टी हो गई है। तो अब हम इस बेल्ट को जब पलटेंगे तो ये हमारा, ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट में ये सीधा पोजीशन आ जाएगा। तो उसके लिए हमें फिर से ये सिलाई से सिलाई मिलानी है इस तरीके से, और सिलाई से सिलाई मिलाकर इसे हल्का सा फोल्ड करना है। जो बेल्ट का पोर्शन है इसमें हमें आधा इंच फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस निशान से निशान को मिलाते हुए हम बेल्ट पर इस तरह से मोड़ते हुए जो हमारा ये सिलाई का निशान आ रहा है इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर अब हम सिलाई देंगे। पहले मैं इसे आपको पिन से अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बेल्ट पूरी इस तरह से फोल्ड करके और स्कर्ट के ऊपर ही पिनअप की है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जो सिलाई है इसे हमें बेल्ट की तरफ ऊपर को रखना है और बेल्ट का जो किनारी वाला हिस्सा है उसे हाफ इंच फोल्ड करके इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। और मैंने ये सब इस तरह से पूरे में पिनअप कर लिया है। ये नाप से कटा हुआ है और लग नीचे का हिस्सा बिल्कुल ठीक आया था, एक्यूरेट आया था, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है ये पिनअप करने में। और पिनअप करने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगी, हमें मैच नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा राउंड में बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब मैं इस पर ये स्टिचिंग दूंगी। तो स्टिचिंग करते समय ध्यान रखना है कि जब हम इसे गोलाई में स्टिच करेंगे तो लगभग 2.5 से 3 इंच का हिस्सा हमें खुला रखना है, क्योंकि हमें इसमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे इजी तरीका बताया है स्कर्ट को सिलने का, और भी स्कर्ट को सिलने का और बेल्ट अटैच करने का, इलास्टिक डालने का सबसे इजी तरीका है ये। और इस तरीके से जब आप डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से सिलाई लगानी शुरू कर रही हूँ, और जब हम पूरी सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमें 2.5 से 3 इंच हिस्सा खुला रखना है, ये ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से इसे पिन मैं निकालती जाऊँगी इस तरीके से, और जब आप पिन निकालें तो वहाँ पर अपना इस तरह से फिंगर्स रख लें
देखिए इस तरह से इसे सिलते जाएं। और ध्यान रखें पीछे कपड़ा नहीं आना चाहिए, पीछे का ध्यान रखें, सिर्फ बेल्ट वाला हिस्सा इधर होना चाहिए। और इस तरह से मैं ये वाली पिन निकाल रही हूँ और आप देख रहे होंगे पिन लगा के मैंने जो अटैच किया हुआ है उसे सिलना कितना ईजी हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी मिलाना नहीं पड़ रहा है निशान से निशान को। और इसी तरीके से हम ये अपनी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्कर्ट कंप्लीट कर ली है। ये इस तरह से ये स्कर्ट पूरी बेल्ट, ये इसका आगे का हिस्सा और पीछे भी देखिए कितना नीच आया है। तो इस तरह से अटैच करना ये सबसे इजी मेथड है। और यहाँ पर ये मैंने इतना ये खुला रखा है, लगभग 2 इंच का हिस्सा, इसमें मुझे ये इलास्टिक डालनी है। तो उसके लिए देखिए ये इलास्टिक है और इसमें जितनी ये बेल्ट का हिस्सा था, ये मैंने इतना ये निशान लगाया हुआ है, ये इतना बेल्ट का हिस्सा था और उससे मैंने ये देखिए 3 इंच कम ये निशान ले लिया है, 3 इंच कम पर। और 3 इंच कम करने के बाद मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि हमें इलास्टिक आपस में ज्वाइंट करनी है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके अब मैं यहाँ पर इस तरह से इसे एक बार मेज़र कर लूँगी और फिर इसे हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो आइए मैं इसकी कटिंग करती हूँ और मैं इसे इंसर्ट करके दिखाती हूँ। देखिए प्लास्टिक मैंने काट ली है और अब मैंने इसके इसके एंड पर इस तरह से एक सेफ्टी पिन डाल ली है और अब मैं इसे इस स्कर्ट में अंदर इंसर्ट करूँगी। और ये इलास्टिक मैंने 2.5 इंच की ली है, 3 इंच की मुझे मिली नहीं, तो 2.5 इंच की इलास्टिक भी इसमें सफिशियंट है, मैंने नाप के देख ली है। और इस तरीके से हम इसे पूरी अंदर डाल देंगे। ये देखिए इलास्टिक मैंने पूरी ऐसे डाल दी है और अब इसे ये जो दोनों इलास्टिक के हमारे एज हैं इसे इस तरह से ना सिलें, इस तरह से कभी ना सिलें, इसको हमेशा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करें। और ये निशान हमने दिया ही हुआ है यहाँ पर, हम इस पर कम से कम 3 से 4 बार स्टिच करके इसे लॉक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से रखें और इस पे अब हम सिलाई चलाएंगे। और इस तरीके से देखिए ये अच्छे से मैंने इसे पक्का कर दिया है। अब जो ये इलास्टिक है हम इसे इसमें एडजस्ट करेंगे स्कर्ट में इस तरीके से, ये देखिए। और इस तरीके से जब ये एडजस्ट हो जाएगी तो हम इस पर जो हमने ये खुला वाला हिस्सा है पहले हम इसे बंद कर देंगे, जो हमने ये 2 इंच छोड़ रखा था अब हम इस पर सिलाई चलाकर इसे बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बन के बिल्कुल तैयार है। जो आगे की इलास्टिक थी जहाँ से मैंने इंसर्ट की थी वो हिस्सा मैंने वहाँ से सिल के बंद कर दिया है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है बनकर, नीचे हम मोड़ चुके हैं। और आप चाहें तो इसमें कुछ लेस या बॉर्डर लगा सकते हैं इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए। तो पार्टी वेयर ड्रेस आपकी बनकर
बिल्कुल तैयार है। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊं, और कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह से नए वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे भी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें, और बहुत जल्द मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगी, और तब तक के लिए Happy swing!